हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दारिन। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट पे। इससे पहले जो मैंने टेस्ट करवाया था वो कंपैरिजन टेस्ट था। आज हम करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ का मतलब क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती हैं, और फिर हम देखेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट यानी किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए हम किस तरह अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट उस पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती क्या है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ का मतलब, जैसे कि नाम से अल्टरनेट का मतलब होता है तब्दील करना। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। एनी सीरीज़, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी सीरीज़, सिंपल जो मैंने डेफिनेशन सीरीज़ की करवाई थी, तो कोई भी सीरीज हुज टर्म्स अल्टरनेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। कोई भी सीरीज मतलब एक सीक्वेंस के साथ हमारे पास जो प्लस में या माइनस में टर्म्स लिखी जाएंगी उसको हम कहते हैं सीरीज़। अगर वही सीरीज़ एक सीक्वेंस के साथ उसकी टर्म्स चल रही हो और उसकी पहली टर्म के साथ पॉजिटिव या फिर पहली के साथ नेगेटिव आ जाए तो दूसरी के साथ पॉजिटिव आना चाहिए। इसी तरह हम वाइस वर्सा हम चलते जाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। तो ऐसी सीरीज जिसकी टर्म्स अल्टरनेट करें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू से, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी अपनी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अपनी वैल्यू सीरीज़ की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन उसके साथ में जो साइंस होंगे वो अल्टरनेट करेंगे। अगर हम इसकी करें कोई भी एग्जांपल, एन अल्टरनेटिंग सीरीज कैन बी रिटन एस, ये इसकी जनरल नोटिफिकेशन होगी। अगर उस नोटिफिकेशन को हम ओपन करें तो इसकी एग्जांपल बन जाएगी। जनरल नोटिफिकेशन की क्या होगी, समीशन एन वन टू इन्फिनिट माइनस वन एन प्लस वन बी एन। अगर आप इसको ओपन करें तो ये किस तरह ओपन होगी, माइनस वन एन वन टू इन्फिनिट है, इसका मतलब एन के अंदर यहाँ पे आपने सबसे पहले वन पुट करना है। जब आप वन पुट करेंगे तो यहाँ पे भी वन आ जाएगा। तो माइनस वन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके बताती हूँ, माइनस वन वन प्लस वन बी वन, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ वन पुट करेंगे। माइनस वन की पावर स्केयर बी वन, नेगेटिव साइन का स्केयर आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो बी वन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम पहली वैल्यू लिख देते हैं बी वन, लेकिन पॉजिटिव। नेक्स्ट वैल्यू कैसे बनेगी, एन की जगह आपने टू पुट करना है। नेक्स्ट वैल्यू कैसे आ जाएगी, जब हम एन टू पुट करेंगे, माइनस वन की पावर टू प्लस वन बी टू, माइनस वन की पावर थ्री बी टू। माइनस वन की पावर ओड है, ओड जब भी आती है तो हम माइनस साइन को वैसे ही रहने देते हैं, और बी टू, जब ये माइनस वन बी टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी टू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस बी टू। इस तरह एन की वैल्यू जब थ्री पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस बी थ्री। एन की पावर आप यहाँ पे फोर पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस बी फोर अप टू सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस तरह की सीरीज़ को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आएंगी, ये बी वन बी टू बी थ्री बी फोर हमें इस सीक्वेंस इस सीरीज़ की जो टर्म्स हैं वो हमें बता रही है उसकी वैल्यूज़। पहली टर्म के साथ पॉजिटिव था तो दूसरी के साथ नेगेटिव, तीसरी के साथ पॉजिटिव, चौथी के साथ नेगेटिव। ज़रूरी नहीं है कि पहले के साथ हमेशा पॉजिटिव होगा, ये डिपेंड करेगा सीरीज़ की किस तरह की फॉर्म है। आप जब उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि हर सीरीज हर टर्म के बाद साइन चेंज होगा। तो ऐसी सीरीज़ जिसकी टर्म्स अल्टरनेट करें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ के दरमियान, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़। इसको रिप्रेजेंट हम इस तरह करेंगे, इसकी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल में पहले एग्जांपल हम लेते हैं समीशन एम वन टू इन्फिनिट माइनस वन बाई टू की पावर एन। अगर आप इस सीरीज़ को ओपन करेंगे तो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, लेकिन अगर आप इसको ओपन करेंगे तो किस तरह ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, माइनस वन बाई टू एन की पावर वन।
तो यहाँ पहली टर्म आ जाएगी -1/2। जब n की जगह आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टर्म बनेगी +1/4। जिस तरह मैंने ये ओपन किया आपने इसी तरह इसको ओपन करना है, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म्स फिर नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी। तो ये इसकी थी एक एग्जाम्पल अल्टरनेटिंग सीरीज की। इसी से रिलेटेड मैं आपको इसकी फोर एग्जाम्पल देती हूँ। समीशन एन इज इक्वल टू 1 to ∞ -1 n+1/n। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी n है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, -1 का स्क्वायर तो वो हो जाएगा 1/1, तो वो 1 ही रहता है। जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। जब n की जगह 3 पुट करेंगे इसके अंदर तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और 1/4 अप टू सॉन। इसका मतलब हमारे पास टर्म्स आई और टर्म्स की जो वैल्यूज थी वो अल्टरनेट करनी थी पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे ये हमारी दो एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको दी हैं। ये दोनों एग्जांपल हैं अल्टरनेटिंग सीरीज की। ये मैंने अभी आपको सिर्फ अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है ये बताया। अब हम करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या होता है। अगर आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज आ जाए आपको पता चल जाएगा पेपर में अल्टरनेटिंग सीरीज की मैंने आपको बता दी है कैसे होती है, प्लस माइनस के साइन से वेरिएट करनी होंगी टर्म्स। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में अल्टरनेटिंग सीरीज का पूछ लिया जाए कि कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज देख के कह दिया जाए इसकी कन्वर्जेंस इसकी डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें, तो आप किस तरह करेंगे उसके ऊपर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाएंगे। अब अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या होता है, बहुत ही आसान है। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट करने से पहले मैं आपको इसकी एक थ्योरम बताती हूँ जिस थ्योरम के ऊपर हम इस टेस्ट को करेंगे। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का जो थ्योरम होगा वो है, कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है फॉर एग्जांपल आप एक ले लें एन अल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ द फॉर्म समीशन एन इज इक्वल टू 1 to, सॉरी यहाँ पे इन्फिनिट आएगा, 1 to ∞ -1 n+1, इसकी -1 की जो पावर n+1 bn। अगर आपके पास ये वाली फॉर्म है या फिर आपके पास समीशन n 1 to ∞ -1 n bn, या आपके पास ये फॉर्म हो या आपके पास ये फॉर्म हो, आपके पास इन दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म आएगी अल्टरनेटिंग सीरीज की। दोनों में से एक तो होगी होगी, दोनों में से जो भी हो आपने इसके ऊपर टेस्ट कैसे अप्लाई करना है। अब आपने क्या करना है अल्टरनेटिंग सीरीज के ऊपर ये वाली टेस्ट, ये जो मैंने आपको सीरीज की फॉर्म बताई है अभी, या ये फॉर्म होगी या ये फॉर्म होगी, ये दोनों फॉर्म कन्वर्ज करेंगी कब, इफ दो कंडीशन हमारे पास। आपने दोनों कंडीशंस को अच्छी तरह अपने माइंड में रखना है। दोनों कंडीशंस के ऊपर अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तब ही ये कन्वर्ज करेगी। पहली कंडीशन क्या है, अगर तो आपके पास यहाँ पे इस टर्म को जो भी आपके पास आएगी, अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी अपने bn किस तरह फाइंड आउट करना है। तो जब bn होगा आपने सबसे पहले क्या करना है, bn देखना है ग्रेटर होना चाहिए और या फिर इक्वल हो जाए bn+1 से। यानी जो भी आपके पास bn होगा उसमें जहाँ n होगा वहाँ पे आपने n+1 करना है और देखना है क्या bn bn+1 से भरा या फिर उसके इक्वल है। और ये जो टर्म होगी ये हमेशा भरी और इक्वल होगी जीरो से, आपने ये देखना है, ठीक है। अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आपने n की वैल्यू जो भी चूज करनी है वो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाए bn भरा हो bn+1 से, कब, जब n की वैल्यू 1 से भरी हो या 1 के बराबर हो। और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या होगी, अगर आप लिमिट अप्लाई कर दो n अप्रोच टू इन्फिनिट bn में, bn जो भी होगा उसमें जहाँ जहाँ n होगा उसको इन्फिनिट कर दो, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के, तब ही
जो अल्टरनेटिंग सीरीज होगी कन्वर्ज करेगी, ये उसकी दो कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों कंडीशन में एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती तो अल्टरनेटिंग सीरीज जो भी आपके पास दी होगी, गिवन होगी, वो डाइवर्ज कर जाएगी, वो कन्वर्ज नहीं करेगी। तो इसको हम कहते होते हैं, दिस इज एक्चुअली नोन एज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अब हम करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल, जिससे आपको समझ आएगी कि अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट किस तरह अप्लाई करना है। एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपके पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज है एन वन टू इन्फिनिट माइनस वन एन प्लस वन एन स्क्वायर। हमने क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड आइदर द सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्जेस। हमने ये फाइंड करना है कि क्या ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, सीरीज की फॉर्म या ये होगी या ये होगी। अगर आप इन दोनों में से देखें तो इस सीरीज की फॉर्म ये वाली बन रही है, तो हम ये वाली सीरीज की फॉर्म पहले इसको बनाएंगे। हम किस तरह इसको लिखेंगे, इन्फिनिट एन इज इक्वल टू वन माइनस वन की पावर एन प्लस वन और आगे वन ओवर एन स्केयर, क्योंकि यहाँ पे ओवर में एन स्केयर था तो मैंने इस पूरी चीज़ को साइन को अलग कर लिया और वन ओवर एन स्केयर अलग कर लिया। अगर हम इसको देखें और इसको कंपेयर करें इस फॉर्म से, तो यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, और बी एन की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पे वन ओवर एन स्केयर। इसका मतलब हमारे पास जो बी एन है वो है वन ओवर एन स्केयर। ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास बन गया बी एन। अब हमने अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करना है। अगर हम इसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करें तो हम कंडीशन वन देखते हैं, क्या हमारे पास जो कंडीशन वन है वो फुलफिल हो रही है। कंडीशन वन हमारे पास क्या थी, कंडीशन वन हमारे पास थी कंडीशन वन हमारे पास क्या थी कि बी एन प्लस वन और बी एन हमने पकड़ना है। बी एन हमारे पास क्या है, वन ओवर एन स्क्वायर, और बी एन प्लस वन हमने खुद बना लेना है बी एन से। तो अगर इस ये बी एन है तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे अगर हम एन प्लस वन पुट कर दें तो बी एन प्लस वन क्या बन जाएगा, वन ओवर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बी एन भी है, बी एन प्लस वन भी है। अब हम क्या करेंगे, बी एन इधर लिखेंगे ग्रेटर देन बी एन प्लस वन या फिर इक्वल टू इसके होना चाहिए, और ये अंडरस्टूड है कि ये ज़ीरो से भरा ही है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे एन इज इक्वल टू लेट्स सपोज हम वन पुट कर देते हैं। तो अगर हम एन वन पुट करेंगे तो हमारे पास बी एन है क्या, वन ओवर एन स्केयर, वन ओवर एन प्लस वन का होल स्केयर। अगर हम एन वन पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन ओवर वन का स्केयर, वन ओवर वन प्लस वन का होल स्केयर। और जब हम इसकी वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करेंगे तो वन ओवर टू का स्केयर वन यहाँ पे आ जाएगा वन, तो हमारे पास वन बाई फोर और वन, तो हमारे पास वन ग्रेटर है वन बाई फोर से, इसका मतलब ये हमारे पास ट्रू हो गया। जो हमारे पास कंडीशन थी बी एन ग्रेटर देन बी एन प्लस वन से होना चाहिए फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए, तो जब हमने वन पुट किया तो ये ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी कि बी एन ग्रेटर देन होना चाहिए बी एन प्लस वन से सेटिस्फाई होगी, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पे हम कह देंगे फर्स्ट कंडीशन जो अल्टरनेटिंग टेस्ट की थी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हम चेक करेंगे अपनी सेकेंड कंडीशन जो हमारी अल्टरनेटिंग टेस्ट की है, कि अल्टरनेटिंग टेस्ट की जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो हमारी पास होगी, सेकेंड कंडीशन सॉल्व होती है कि नहीं। सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारी, लिमिट एन अप्रोच करे इन्फिनिट बी एन इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो अगर हम सेकंड कंडीशन लगाएं तो हमारे पास bn क्या है, 1 ओवर n स्क्वायर, और अगर हम इसके ऊपर लिमिट n अप्रोच करवा दें इनफिनिट, तो जहां जहां n है वहां वहां इनफिनिट हम पुट करेंगे, तो 1 ओवर इनफिनिट आ जाएगा, और 1 ओवर इनफिनिट का आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब जब हमने लिमिट 1 ओवर एन स्क्वायर जो कि बी एन था उस पर एन अप्रोच टू इन्फिनिट कराई तो आंसर आया 0। इसका मतलब हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो गई, सेकेंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है यहाँ पे। तो अल्टरनेटिंग टेस्ट के दोनों कंडीशंस क्योंकि हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी है तो हम क्या कहेंगे, हेंस जो ये सीरीज है हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज, हेंस अल्टरनेटिंग सीरीज जो हमें उन्होंने पूछी थी क्वेश्चन में इज कन्वर्ज। तो ये हमारे पास क्या होगी, कन्वर्ज होगी, या फिर आप कह सकते हैं कन्वर्जेस। तो यहाँ पे ये सीरीज कन्वर्ज। इसी तरह अगर आपको अल्टरनेटिंग सीरीज कोई भी आ जाए, आपने सबसे पहले उसकी फॉर्म जो मैंने आपको बताई है इन दोनों फॉर्म में से चूज करनी है, और नेक्स्ट आपने दोनों कंडीशंस को, बहुत इजी है ये, बहुत इजी से हो जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे मसला हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो पर्पस है वो कंप्लीट हो सके वीडियोस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।